जय माता दी। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज आपको बताने जा रही हूँ मेष राशि का कैसा रहेगा मई का महीना। मेष राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, मई के महीने में ये तीन गलतियाँ भूलकर भी मत करना। कौन सी गलतियाँ हैं आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगी। मित्रों, मई का महीना मेष राशि वालों का किस प्रकार से जाएगा, सबसे पहले जान लेते हैं गोचर स्थिति क्या रहेगी। तो मेष राशि वालों की मई के महीने में लग्न में सूर्य और राहु गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा और बुध गोचर कर रहे हैं, केतु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु और शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कैसा रहेगा ये महीना, ये सब हमें हमारी गोचर स्थिति के अनुसार पता चलता है। कभी कोई महीना हमारा बहुत अच्छा जाता है तो कभी कोई महीना हमारा बहुत खराब हो जाता है। कोई दिन बहुत अच्छा होता है तो कोई दिन बहुत खराब चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है गोचर स्थिति के अनुसार। जो ग्रह हमारे अच्छे भाव में गोचर करेंगे तो हमें उसका शुभ परिणाम मिलेगा। यदि वो 6, 8, 12 भाव में गोचर कर रहे हैं तो उससे संबंधित हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए हमारा समय खराब हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने में, शिक्षा कैसी रहेगी, लव रिलेशनशिप अच्छी चलेगी या नहीं, वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा या नहीं, नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से कैसा रहेगा मई का महीना, और वो तीन महत्वपूर्ण गलतियाँ जो आपको इस महीने में भूलकर भी नहीं करनी है, और अंत में आपको इस महीने क्या उपाय करने चाहिए। तो यदि आपकी मेष राशि है या आपका मेष लग्न है तो आज का वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंग शास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले और आप उनसे लाभ उठा सकें। मेष राशि का कैसा रहेगा मई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो सेहत की दृष्टि से मई का महीना आपका अच्छा रहेगा, पर कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे सर दर्द, पेट से संबंधित परेशानियां इस महीने आपको रह सकती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शिक्षा कैसी रहेगी आपकी मई के महीने में, तो पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य लग्न में उच्चकर होकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा और आप मन लगाकर पढ़ेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो आपका वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग UPSC, IAS, IPS की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो सोचिए मत, आप दे दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होने ही वाला है। यहाँ आपके पंचमेश सूर्य उच्च के होके लग्न में बैठे हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से आपका समय बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी मई के महीने में, तो लव रिलेशनशिप के लिए भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। सूर्य उचके होके लग्न में बैठे हैं तो आपकी रिलेशनशिप भी मई के महीने में बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य उचके हैं पर यहाँ आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की टेंडेंसी ही अग्नि है, अग्नि तत्व है, तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, पर यहाँ आप उसका असर अपनी रिलेशनशिप पर ना पड़ने दें, क्योंकि एक दूसरे में अगर आप समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, तो अच्छी रिलेशनशिप भी खराब होने की संभावना बन जाती है। बस आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। लव रिलेशनशिप के अनुसार ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका मई के महीने में, तो केतु यहाँ आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और राहु और सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु सप्तम भाव के स्वामी भी उचके होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, तो आपको सुख भी मिलेगा, वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल भी होगा। बस जरूरत है आप एक दूसरे में छोटी मोटी कमियां ना निकालें, गलतियां ना निकालें, एक दूसरे को समझ कर चलें, अन्यथा वैचारिक मतभेद होंगे और जो महीना आपका खुशहाल होने वाला है वहाँ पर परेशानियाँ आ जाएंगी। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हो रहा था
या संतान सुख के लिए बहुत परेशान चल रहे थे, तो मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनका विवाह होने में बाधा आ रही थी उनके विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। जिनको संतान सुख की कामना थी और अभी तक बहुत परेशान थे, तो आपको संतान प्राप्ति के योग भी मई के महीने में बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा मई का महीना, तो यहाँ आपके भाग्य के स्वामी अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। यदि आप नौकरी में अभी तक प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। किसी विदेशी कंपनी से जुड़ना चाह रहे थे या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की सोच रहे थे, तो बहुत अच्छा समय है, कोशिश करिए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे थे, अभी तक बहुत कोशिशें की पर विदेश नहीं जा पाए, तो इस महीने आपका पूर्ण रूप से विदेश योग बन रहा है, आप विदेश जा सकते हैं। जो लोग नौकरी को लेकर परेशान थे कि नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो इस महीने आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, आप प्रयास करिए। जो लोग नौकरी में चेंज चाह रहे थे कि हमें दूसरी कंपनी में जॉब करनी है, तो आप प्रयास करिए, दूसरी कंपनी में नौकरी का योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब मई के महीने में कैसी रहेगी मेष राशि की आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति, तो इस महीने जब आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, शनि आपके लाभेश होके अपने ही घर में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में धन की और आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, घूमना फिरना रहेगा, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अब वो तीन काम जो इस महीने आपको गलती से भी नहीं करने हैं, कौन से हैं वो काम, तो सबसे पहला काम है कि इस महीने आपने अपने पिता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके पिता का मन दुखे या वो परेशान हो, क्योंकि सूर्य आपका उचका है इस महीने, तो आपको अपने पिता के सारे कार्य करने हैं, उनको खुश रखना है, उतना ही आप अपनी नौकरी और व्यापार में तरक्की करेंगे। तो भूल कर भी पिता के किसी भी कार्य को मना ना करें और उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करने की सोच रहे हैं, तो इस महीने आप पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। तो दूसरा मेन काम ये है कि आपको इस महीने कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है। तीसरा काम है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुस्से में आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले लें जिसकी वजह से आपको कोई हानि उठानी पड़े। तो गुस्से पे आप कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य उचका है, तो गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, पेशेंस कम होंगे और आपको लगेगा कि मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी स्थिति ना आने दें, हर कार्य को सोच समझ के करें, क्योंकि गलतियाँ तो सभी से होती हैं, तो गुस्से पे कंट्रोल रख के कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका सही रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। अब ऐसे कौन से उपाय करें जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और आप अपने जीवन में सदैव तरक्की करें, तो सबसे पहले आपने रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा उपाय है, सूर्य को जल जरूर देना है आपने, रोली चावल और चीनी डालकर सूर्य को जल दें, उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। मंदिर में 5.25 किलो गेहूं का हर संडे को दान जरूर करें। सुबह 8 बजे से पहले आपने पक्षियों को सतनाजा जरूर खिलाना है, ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि मेष राशि वालों का किस प्रकार से रहेगा मई का महीना। कल का हमारा वीडियो होगा वृष राशि पर कि वृष राशि वालों का कैसा रहेगा मई का महीना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत ही यूजफुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।